The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Vitamin D deficiency. पहले समझना बहुत जरूरी है कि vitamin D है क्या और उसकी deficiency का क्या मतलब है. See, when you have a vitamin D deficiency, that means आपको उतना vitamin D नहीं मिल रहा जितना आपको चाहिए. To stay healthy, right? Vitamin D is very, very, very important. क्यों? 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 Why do you need vitamin D? See, vitamin D is basic and helps your body to absorb calcium. Calcium, अगर आप खा रहे हो, दूध ले रहे हो, अंडा ले रहे हो, आप क्या नाम है, केला ले रहे हो, कोई भी कैल्शियम फूड ले रहे हो, कोई भी कैल्शियम रिच फूड ले रहे हो, तो वो कैल्शियम आपके खून में एब्जॉर्ब तब होगा जब विटामिन डी होगा. कैल्शियम नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा, तो कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा. और कैल्शियम इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बोन. आपकी हड्डियां कैल्शियम से बनती हैं, आपके नर्वस सिस्टम, आपकी मांसपेशी, आपके इम्यून सिस्टम, ऑलमोस्ट बहुत सारे, मतलब हर एक सेल लेवल तक कैल्शियम काम करता है. कैल्शियम सेल के अंदर चाबी जैसा काम करता है. तो कैल्शियम इज सो ब्लडी इम्पॉर्टेंट. सो अगर आपको विटामिन डी नहीं मिल रहा है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी. विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, उसके वजह से सिम्टम्स पे हम आएंगे. लेकिन क्यों होगा कि आपको विटामिन डी नहीं मिलता? विटामिन डी तीन तरीके से मिलता है. नंबर वन इज योर स्किन, नंबर टू इज योर डाइट, एंड नंबर थ्री इज योर सप्लीमेंट्स, राइट? नंबर वन, नेचुरली जब आप सनलाइट देखते हो, सूरज की रोशनी एक्सपोज होते हो, तो आपकी चमड़ी, आपकी स्किन नेचुरली विटामिन डी बढ़ाता है, बनाता है. बट जितना ज़्यादा सन एक्सपोजर होगा, वो अगर ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन खराब कर सकता है. स्किन में एजिंग आपको बूढ़ा जल्दी करेगा, और साथ ही इवन स्किन कैंसर और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, डार्क पिगमेंटेशन, मेलेस्मा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बहुत सारे लोग सन से दूर रहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है. जो लोग दूर रहते हैं उनको विटामिन डी उतना नहीं मिलता. नंबर दो सोर्स उसका है डाइट. डाइट में बहुत कम चीज़ों में विटामिन डी है, राइट? लेकिन ए डी यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं. मिलते भी ये फैट में है, यानी एग योक में, दूध की मलाई में, ऐसी चीज़ों में मिलेगा आपको, राइट? सो विटामिन डी और बाकी सारी चीज़ों में कम होता है, बट होता है थोड़ा बहुत कम. सो कितना चाहिए आपको विटामिन डी रोज? विटामिन डी आपको चाहिए हर रोज अपनी उम्र के अनुसार. अगर आप छोटे बच्चे हैं, सो विटामिन डी यूनिट्स में गिना जाता है. बर्थ से लेके एक साल तक आपको 400 यूनिट विटामिन डी चाहिए. इसलिए छोटे बच्चों को विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, ऑलमोस्ट अब हर जगह दिए जाते हैं, रेकमेंडेड है. छोटे बच्चे जो चिल्ड्रन हैं, एक साल से 13 साल तक, उनको 600 यूनिट्स विटामिन डी चाहिए डेली. अब उस उम्र में बच्चे बाहर खेलने लग जाते हैं. वैसे बचपन से भी हम बाहर बैठाते हैं लोगों को धूप में, लेकिन फिर भी इट्स रेकमेंडेड कि बीच में आप सप्लीमेंट्स दें बच्चों को. टीनेज ग्रुप में आपको भी उतना ही चाहिए और एडल्ट्स में भी उतना ही चाहिए. मतलब एक साल से लेके 70 साल की उम्र तक आपको 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए एवरी डे, जस्ट फॉर मेंटेनेंस, जस्ट फॉर रिक्वायरमेंट. उतना रेगुलर रिक्वायरमेंट है. बढ़ेगा कब? 70 साल से ऊपर. 70 यानी 71 ईयर्स, यू नीड 800 यूनिट्स. प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, यू नीड 600 यूनिट्स ओनली, नो एक्स्ट्रा. सो स्टिल कैल्शियम इज नीडेड, राइट? जो लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी का रिस्क है, उन लोगों को विटामिन डी ज़्यादा लेनी चाहिए. वो भी हम आएंगे किनको रिस्क है. लेकिन क्यों होगा आपको डेफिशिएंसी? आपने अगर सही मात्रा में विटामिन डी डाइट में नहीं लिया, नंबर वन. दूसरा, अगर आप उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं विटामिन डी जो आप खा रहे हैं, मैल एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम है, तो अगर आप उतना धूप में नहीं जाते हो. तीन, अगर आपके लिवर या किडनी सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विटामिन डी खून में होने के बावजूद वो एक्टिवेट होता है, एक्टिव फॉर्म में आता है. उस एक्टिव फॉर्म में लाने का काम मेन किडनी पे होता है और थोड़ा लिवर में भी होता है. तो अगर लिवर और किडनी काम नहीं कर रहे हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा और डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. इन स्पाइट की विटामिन डी है, लेकिन एक्टिव फॉर्म
विटामिन डी थ्री नहीं बन पाएगा। और दवाइयां जो आप ले रहे हो, मान लो कोई ऐसी दवा ले रहे हो जो बॉडी के एबिलिटी, जो विटामिन डी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को कम कर रही है, तो भी आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी। कारण, अब किस किस को हो सकती है, हु इज एट रिस्क? ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स, जो बच्चे हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं उनको, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में उतना अच्छा विटामिन डी नहीं होता, तो आपको विटामिन डी सप्लीमेंट करना पड़ता है बच्चों को हर रोज 400 यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स हर रोज, जैसा मैंने कहा। बूढ़े बुढ़ापे में क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, चमड़ी नहीं बना पाती है, सन एक्सपोजर उतना एक्सीशेंट नहीं होता, सब जगह से स्लो हो जाता है, तो बुढ़ापे में ज़रूरी है। और जो लोगों को डार्क स्किन है, जिनकी स्किन डार्क कलर की है, उन लोगों को, बिकॉज डार्क कलर से स्किन के उस लेयर के नीचे धूप की किरणें नहीं जा पाती है जो विटामिन डी बनाएगी, तो डार्क स्किन वाले लोगों को विटामिन डी कमी हो सकती है। जिनको पेट का एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, क्रॉन्स डिजीज, सीलिएक डिजीज, कोई भी ऐसी एब्जॉर्प्शन वाली डिजीज है, राइट, उनको मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। जो मोटे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटापे से फैट क्या करता है, फैट बाइंड्स विद सम ऑफ द विटामिन डी एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग इनटू द ब्लड, तो फैट ट्रैप्स, बाइंड्स विटामिन डी से, जुड़ जाता है और विटामिन डी को ब्लड में आने से रोक देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मोटापे से भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। जो लोग मोटापे के लिए ऑपरेशन करा चुके हैं, उन गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, उनको एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम की वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। जिनकी हड्डियां कमजोर है, ऑब्वियसली विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जिनको किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। जिनको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ये एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल कंट्रोल करता है, तो उनको भी डेफिशिएंसी का रिस्क है। जिनको कोई ट्यूबरकुलोसिस, राइट, सार्कोइडोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोई एक ग्रैनुलोमैटोस डिजीज हो गई, क्रोनिक डिजीज हो गई, इस तरह की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उनको रिस्क ज़्यादा है, राइट। जिनको कैंसर यानी लिम्फोमा, उनको रिस्क ज़्यादा है, राइट। जिनको स्टीरॉयड थेरेपी चल रही है, सीजर की थेरेपी चल रही है, और कई तरह की दवाएं जो एक्चुअली विटामिन डी को इफेक्ट करती हैं, वो है स्टीरॉयड, एंटीफंगल दवाएं, एचआईवी एड्स की दवाएं, दौरे पड़ने जो सीजर की दवाएं होती हैं, कोलेस्टायरामीन, जो गॉल ब्लैडर की दवाएं, वो सब विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती हैं। आई होप इतना तो आपको नहीं पता होगा, है कि नहीं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको विटामिन डी पे ध्यान देना पड़ेगा। कम हो गया, अब क्या? अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका विटामिन डी कम है, कैसे पता चलेगा कि सिम्टम्स क्या, साइन क्या है? देखिए, विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम के लिए, और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, या वो एक्टिवेट नहीं होगा, या कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, या आप कैल्शियम ही कम खाओगे, तो बोन से कैल्शियम निकाला जाएगा, बिकॉज आपकी शरीर को कैल्शियम चाहिए, साम दाम दंड भेद, उसको कैल्शियम चाहिए, तो वो बोन से जो कैल्शियम स्टोर्ड है वो निकालेगा। और बोन कम यानी बोन डेंसिटी, बोन के अंदर कितनी दम है, वो कम होता जाए, खोखली होती जाएगी बोन, इस वजह से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, और टक आराम से टूट जाती है बोन, बोन फ्रैक्चर। सो कैल्शियम जब आप ज़्यादा खाते हो, वो जाके किडनी में स्टोन नहीं बनाता, वो बोन में जाता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है। किडनी में स्टोन तब बनता है जब पानी कम पीते हो, पानी कम पीते हो तो नॉर्मल कैल्शियम जो बॉडी के अंदर, जो ब्लड में, जो यूरिन में, वो भी डिपॉजिट होता है, स्टोन बनाता है, चाहे ज़्यादा हो या कम। सो यहाँ फ़र्क समझिए, लोग सोचते हैं कैल्शियम से ये होगा, कैल्शियम से वो, कैल्शियम ज़्यादा खाने से कुछ मेजर नुकसान नहीं होता, यहाँ पे नुकसान होता है कम खाने से। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी बढ़ती गई तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस होगा, इजी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। बचपन में ही अगर कम है तो बचपन में हड्डियाँ बनेंगी नहीं सही से, उसको रिकेट्स बोलते हैं, रेयर है लेकिन होता है ऐसा, कि सॉफ्ट और बेंड होने वाली बोन बनेंगी, चौई ओई ओई ओई, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कई लोगों को होता था पहले, अब नहीं होता क्योंकि अब डॉक्टर्स पहले पकड़ लेते हैं, सप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन बड़े में क्या होगा, बड़े एडल्ट्स में क्या होगा, जैसी विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, ऑस्टियोमलेशिया होगा। ऑस्टियोमलेशिया क्या है, ये कोई मलेशिया की बीमारी नहीं है, ये मलेशिया मतलब वीक बोन्स, हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, कमजोर हड्डियाँ दर्द करेगी, जिस तरह से हड्डियाँ कमजोर है, टक से टूटेंगी नहीं, लेकिन उनमें माइक्रोस्कोपिक डैमेज होगा। तो जब आप ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा देर खड़े होगे, कूदोगे फूदोगे, तो आपकी बोन्स जो है उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक पेन होगा, उसमें बोन पेन होगा, ऐसे ही मसल पेन होगा, मस्कुलर वीकनेस। कई लोग कहते हैं हाथ पैर में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, छाती में दर्द, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, और इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत कॉमन कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डेफिशिएंसी कई सारी बीमारियों से भी रिलेटेड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कई सारी बॉडी के फंक्शंस भी विटामिन डी के साथ मिलके होते हैं।
तो विटामिन डी अगर कम होगा तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाओगे, आपको क्रोनिक डिजीज होने के लंबे समय में आपको रिस्क बढ़ेगा डायबिटीज़ का, हाई ब्लड प्रेशर का, कैंसर्स का, ऑटोइम्यून डिजीज़ का, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, बोन प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी। सो इसीलिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे मिल सकता है विटामिन डी, कहाँ से मिलेगा भाई साहब? आपको सबसे पहले और सबसे सिंपल सी चीज़ है, आपको मिलेगा सन से, धूप से। दूसरी, खाने में कहाँ से मिलेगा? फैटी फिशेस, सालमन, ट्यूना, मैकरेल, चीज़, मशरूम्स, एग योक्स, बीफ, लिवर, लिवर से, यानी ऑर्गन मीट से, उनसे ज़्यादा, उनमें ज़्यादा होता है। अगर आप फोर्टिफाइड फूड्स खाएंगे तो भी ठीक है। फोर्टिफाइड फूड मतलब जिनमें अलग से विटामिन डी डाला गया है, जैसे कि आपके सीरियल आते हैं बाहर से, कई बार दूध में फोर्टिफिकेशन होता है, मिल्क में होता है, ऑरेंज जूस, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही में होता है, सोय ड्रिंक्स में होता है, इनमें होता है। और मल्टीविटामिन्स में, कई सारे मल्टीविटामिन्स में विटामिन डी होता है, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 400, वो डेली यूटिलाइजेशन के लिए होता है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी मिलती है तो वो डेली यूटिलाइजेशन, मतलब अगर आपको डेफिशिएंसी है तो 500, 400, 600, 800 यूनिट से कुछ नहीं होने वाला, तब आपको चाहिए ज़्यादा, तब हम देते हैं 60,000 यूनिट, 60,000 यूनिट्स के कैप्सूल्स, सैशेज या लिक्विड आता है जो वंस अ वीक लिया जाता है, और अगर ज़्यादा ही कमी है तो इंजेक्शन्स भी होते हैं, 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन लगता है वंस अ वीक, 4-5 इंजेक्शन्स में डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है। लेकिन फिर आगे आपको मेंटेनेंस डोज तो लेना ही पड़ेगा, राइट? सो अगर आपको डेफिशिएंसी है, उसको सप्लीमेंट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो अपने आपके लेवल के हिसाब से आपको सप्लीमेंटेशन देंगे। क्या आप ज़्यादा विटामिन डी ले सकते हो? टॉक्सिसिटी ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा? अगर आपने बहुत ज़्यादा विटामिन डी ले लिया, जिसे कहते हैं विटामिन डी टॉक्सिसिटी, तो जी हाँ हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पे नौजिया, वॉमिटिंग, खाने पीने में भूख लगना कम, कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा ज़्यादा, एक्सेसिव विटामिन डी से बहुत ज़्यादा मात्रा में किडनी भी डैमेज हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा विटामिन डी इसीलिए नहीं लेना, क्योंकि वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम कर देगा, और इतने हाई लेवल कैल्शियम, हाइपर कैल्शियमिया आपके हार्ट के रिदम में, आपके दिमाग के फंक्शन, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन भी कर सकता है। सो दोनों चीज़ें खराब है, डेफिशिएंसी भी और एक्सेस भी। इसीलिए टेस्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए टेस्ट करना ज़रूरी है कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है या आप ओके हो, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हर एक को ऐसा नहीं होता, आपने खाया तो आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी हैपन्स ओनली इफ समवन ओवर डोजेज विथ विटामिन डी सप्लीमेंट। नॉर्मल सन एक्सपोजर से या नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों से कभी भी, या फिजिशियन ने जैसे आपको बताया, डॉक्टर ने, उसके हिसाब से सही, उनके एडवाइस के हिसाब से दवा लेने से विटामिन डी टॉक्सिसिटी नहीं होती, खुद का ट्रीटमेंट करने से हो सकती है। सो रिमेंबर ऑल दीज facts about vitamin D and share it right now with every single person you know, because ये तो भैया जनहित में जारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी जानकारी है vitamin D deficiency के बारे में, and definitely आपको लोगों को बताना चाहिए, definitely इसको share करना चाहिए। Alright, and if you have any questions, please write down in the comment section, I'll try my best to answer them as always. Thank you so much.